नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रक्षा और इस खास पेशकश जो कि वर्ल्ड म्यूजिक डे पर हमने रखी है, जो कि एक परिचर्चा है, उसमें आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि म्यूज़िक कैसे दिल बनकर धड़कता है और सांसें बनकर महकता है। हमारे साथ में शहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संगीत जगत से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं हर्षवाल जी, नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। अमन काजी जी हैं, अमन काजी जी पेशे से संगीतज्ञ हैं, ये कंपोज भी करते हैं, सिंगर भी हैं और एक शिक्षक भी हैं। साथ में हैं पल्लवी जी, पल्लवी जी बहुत स्वागत है आपका। पल्लवी जी एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर हैं। तो अब शुरुआत करते हैं कि हमारा कार्यक्रम किस तरीके से संगीत बनकर आपकी भी रगों में आज के दिन दौड़ पड़े। पूरी दुनिया आज थिरक रही है म्यूज़िक की धुन पर, तो हम कैसे इससे बच सकते हैं। हर्षवाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि संगीत डेफिनेटली हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, चाहे वो कोई भी उम्र का हो, किसी भी दायरे को बिलोंग करता हो, या कोई व्यापारी हो, या कोई व्यवसायी हो, या कोई नौकरी में पेशा व्यक्ति हो, लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जो एक जीवन में थ्रिल लेके आता है। हाल के दौर में आपको यदि ये कहने के लिए कहें कि कितना डिफरेंस आप पहले और अब के संगीत में महसूस करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? रक्षा जी, देखिए, संगीत का तो जो जादू है वो अपने आप में हर व्यक्ति के ऊपर एक प्रभाव है, एक जादू है। और संगीत तो जब हम पैदा होते हैं तब से ही शुरू हो जाता है, हमारे रोने से ही जो है मात्र संगीत का जो है आगाज हो जाता है और सतत रूप से चलता रहता है। अगर हम 60 के दौर की बात करें तो उस समय एक अलग जोनर था, अलग तरीका था, सैगल साहब थे, सोरिया जी थी। उसके बाद में जब 70 के दौर में देखें तो किशोर दारा है और भी काफ़ी गुणी जो है संगीतकार गीतकार रहे हैं, उन्होंने एक अलग तरह का एक संगीत भी दिया, गायकी भी दी। और अभी का जो दौर है, अभिजीत है और जितने भी रिसेंटली मीका है, हनी सिंह है, तो अगर इन तीनों फेस को अगर देखें तो समझ में हमें ये आता है कि एक स्पीड जनरेट हो गई है। 60s के दौर में देखें सुरैया जी को देखें, सैगल साहब को देखें, या 80s के दौर में देखें तो 70s to 80s के दौर में एक मेलोडियस, जिसे कहते हैं गोल्डन ईरा, गोल्डन ईरा था वो पीरियड। उस समय को आप देखें तो कानों में रस घुलने वाला 60 का भी था, नो डाउट, पर थोड़ा सा टेम्पो स्लो था और अपना एक स्पीड थी। और आज के दौर को अगर देखें, हनी सिंह को लें, कोई बुराई नहीं है उसमें, एक परिचर्चा है, तो आज का दौर जो है वो इंस्टेंट हो गया है, फास्ट हो गया है, रैपिडली हो गया है, जस्ट लाइक अ नूडल्स हो गया है वो, कितना क्विक, कितना प्रॉम्प्ट, कितना जल्दी हम इसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं, ये जो कालखंड में रहा है। ये आजकल के जो पेरेंट्स भी हैं उन्हें बहुत हॉट कुक करने की आदत है, बहुत जल्दबाजी में वो रहते हैं, अपने बच्चों से भी उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहती हैं कि बहुत ही जल्दी से वो एक बड़े कलाकार बन जाएं। लेकिन हमारा यहाँ पर यही एक सुझाव है कि कलाकार तो ज़रूर बनते हैं, लेकिन कलाकार के लिए बहुत लंबी शिक्षा और तपस्या, जिसे बहुत ही मनोयोग से करना ज़रूरी है। हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे गज़ल सिंगर हैं जो कि अमन काजी जी हैं, आपसे अभी बात कर रहे थे। अमन जी, हम इस दौर में आपसे चाहेंगे कि कुछ अलग टेस्ट की कोई गज़ल पुराने दौर की आप सुनाएं। मैं भी हसन खास आपकी गज़ल के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए आई, रंजिश सहे आफिस मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश सहे। जी बहुत खूब, जी बहुत खूब, ये बहुत ही मशहूर और मकबूल गज़ल है, रंजिश ही सही, जो कि मेहंदी हसन साहब ने ओरिजिनली गाई थी, लेकिन बहुत सारे सिंगर्स ने, रूना लैला ने भी इसे गाया है, आशा जी ने भी इसे गाया है, तो बहुत ही फेमस ये गज़ल है। हर्षवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप 2 मिनट्स नूडल की बात कर रहे थे, तो वाकई ये हो रहा है कि जो बड़े सेलिब्रिटी सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर्स हैं, अक्सर देखा गया है कि एक ही शेड्यूल में वो 3-3, 4-4 फिल्म के गाने भी शूट करते हैं, तो ये किस तरीके से हो पाता है और इसका इसके साइड इफ़ेक्ट्स या बुरे प्रभाव क्या है? रक्षा जी, बिल्कुल सही बात है ये कि एक दौर
ऐसा था, जब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मिथुन साहब थे उनके पास 35-35 मूवी हुआ करती थी, गोविंदा साहब थे उनके पास 30-35 मूवी हुआ करती थी, लेकिन फ्लोर पे 4 या 5 ही कंप्लीट हो पाती थी। वैसे ही आज के दौर में भी जो भी लेटेस्ट सिंगर्स हैं उनका जो मैंने ऑब्जर्व किया है 2 साल 2.5 साल मैक्सिमम 3 साल के बाद में वो किस गुमनामी में चले जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि किशोर साहब को देखें, रफ़ी साहब को देखें, मुकेश जी को देखें, कितना लंबा कितना ह्यूज दौर रहा है उन लोगों का, और वो इतना इतना सॉलिड दौर रहा था कि आज भी लोग उनके गानों को गुनगुना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। जी मैं आपको यहाँ पर हर्षवाल जी याद दिलाना चाहूँगी अपने दर्शकों को भी कि एक बहुत ही अलग बात जो पिछले ज़माने में हुआ करती थी और अभी, कि पहले काफ़ी समय सिंगर्स को दिया जाता था एक एक बंदिश को या एक गाने को तैयार करने के लिए, उसको फैमिलियर होना होता था। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ये चाहते थे कि आप लता जी हों चाहे आशा जी हों, उनसे कहते थे कि आप इस गाने को आत्मसात करिए, इसको भीतर उतारिए, फिर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। और जब आर्टिस्ट कंफर्टेबल होता था और उसी दिन रिकॉर्डिंग रखी जाती थी। कहते हैं कि लता जी यदि किसी दिन छींक भी दे तो प्रोड्यूसर की जो सांसें हैं वो ऊपर नीचे हो जाया करती थी, तो वो एक दौर हुआ करता था। आज समय हालांकि बहुत ज़्यादा फास्ट भी है और टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, बहुत अपग्रेड हो गई है, इसी वजह से शायद अब ये किया जाने लगा कि एक ही दिन में 3-3, 4-4 इवन मैंने तो ये सुना है कि 12-15 गाने भी कई बार सिंगर्स रिकॉर्ड कर लेते हैं एक ही दिन में। अच्छा जी, मुझे लता जी से एक बात ध्यान आई कि कहा जाता था कि जब लता जी जिस दिन रिकॉर्डिंग करने के लिए जाती थी उसके पहले 2-3 दिन पहले वो मौन व्रत रखती थी जी, मतलब इतना एनर्जी को बचा के रखती थी और अपने कंठ को साध के रखती थी। तो एक सीखने वाली बात है दर्शकों के लिए भी और सभी गुणी संगीतकारों को भी और गायकों को भी कि भाई किस तरह से पोटेंशियल देकर आप अपनी गायकी में उस लेवल तक उस मुकाम तक पहुँचें कि आप अपना परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट टू बेस्ट कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत संजीदा हुआ करते थे उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे अपनी गायकी को लेके, अपने म्यूज़िक को लेके, वो कैसा आउटकम लेके आ रहे हैं, बाहर क्या लेके आ रहे हैं, उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा अवेयर होते थे। कई रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं जो लता जी बहुत सेटिस्फाइड नहीं हुई, या बड़े जो उस समय के आर्टिस्ट होते थे वो अक्सर उसको अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करते थे कि ये गाना हम दोबारा टेक कर लेंगे, ये मुझे उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। जी हमारे साथ में पल्लवी जी हैं जो कि इंदौर की बहुत ही ज़्यादा चहेती सिंगर हैं, उभरती हुई कलाकार हैं। पल्लवी श्रीवास्तव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल के जो सिंगर्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का एक पैकेज देखने के लिए लोग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसमें लुक्स भी बहुत होना चाहिए, खूबसूरती भी होना चाहिए, आपका फिजिक भी अच्छा होना चाहिए और परफॉर्मेंस एक्चुअली ओवरऑल होना चाहिए, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी सारी बातें तो हर्षवाल जी और सर कर ही चुके हैं, पर ये जो आपने जो बात कही है, पहले के ज़माने में ये जब लता जी और आशा जी का दौर हुआ करता था तब बहुत सादगी का दौर था और केवल लुक्स को ज़्यादा मायने नहीं दिया जाता था। आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है या आप कितना अच्छा गाती हैं, आपका परफॉर्मेंस, सब ये मायने रखता था। आज के दौर में लुक्स को पैकेज रूट्स के तौर पे लिया जाता है। जी जी, तो पल्लवी जी का ये कहना है कि उनको ये बात बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती और दर्शकों ये बात काफ़ी हद तक सही है कि यदि सचिन को भी उनके लुक्स पर मार्क्स दिए जाते कि वो कितना अच्छा खेलते हैं तो ये बात कुछ हजम नहीं होने वाली होती। और साथ में इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि जिस विधा में आप परफॉर्म कर रहे हैं डेफिनेटली उसका ग्राफ बहुत ऊंचा होना चाहिए। यदि आप गाने के लिए ही आगे आ रहे हैं तो लुक्स को तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत है, मेकअप और बहुत सारी चीज़ें, ग्रूमिंग पैकेजेस, ये सब बहुत कुछ है, तो वो तो फिर भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन मेन चीज़ है वो है संगीत, वो है गला, वो उसका रियाज होना, उस पर आपकी मेहनत दिखाई देनी चाहिए। पल्लवी जी आप साथ में हैं, हम आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम बातें तो बहुत सारी कर ही रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें परोस रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये चाहेंगे कि आप कुछ अच्छा से सुनाइए हमारे दर्शकों को। Thank you.
बहुत खूब पल्लवी जी, बहुत ही सुंदर आपने गाया, ये गाना इतना खूबसूरत और आपने बेहतर बखूबी से इसे निभाया भी। पिया से क्या है, पूरे एमपी में जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबसे आपके नैना लग जाएंगे, इतना खूबसूरत गाए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम के अगले मोड़ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं इंदौर के एक बहुत ही एक्टिव व्यक्ति अर्शवाल जी, जो कि इवेंट मैनेजर हैं, ख़ास तौर से संगीत के इवेंट्स बहुत करते हैं, तो इन्हें कैसे हम छोड़ सकते हैं। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, तो इस उपलक्ष्य में आज हम चाहेंगे कि एक गाना या उस गाने की कुछ पंक्तियाँ हमारे लिए ज़रूर प्रेजेंट करें। रक्षा जी, संगीत, सेवा और इबादत, ये तीनों जो है दिल के मामले हैं और ये दिल से ही किए जाते हैं, और इसी संदर्भ में मैं सभी प्यारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, जो कि मेरा पसंदीदा गीतों में से एक है, आपकी नज़र करता हूँ। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक जान जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छांव ज़ुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ, सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर गया गई जमीन पे, रही यही लगन तो है दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। उगारता चला हूँ गली गली बहार की, बस एक जान जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। बहुत खूब हर्षवाल जी, बहुत ही प्यारा गीत आपने गाया, जितना ये प्यारा गीत है उतना ही प्यारा हर्षवाल जी आपने इसे गाया भी, और हमारी राय मानिए तो आप, मुझे लगता है कि आपको प्लेबैक सिंगर होना चाहिए, आपको ज़रूर एक बार आजमा के जी जी ठीक है, जो है वो भला, बट मुझे लगता है कि आपको गाना कंटिन्यू करना चाहिए। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। तो दर्शकों, संगीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बहुत ही जल्दी वापस आ रहे हैं, तो कहीं मत जाइए, हम अभी लौटे। पानी दाने मामा रे मामा निदा रे मामा निदा रे मामा निदा।